आज हरदोई में बीजेपी नेता पारुल दीक्षित ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता कर बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा शहर में बहुत बड़े स्तर पर मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए, जिसको लेकर हजारों मतदाता वोट डालने से वंचित रह गए। अब भाजपा नेता जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और इसके पीछे क्या साजिश थी उसका भी पर्दाफाश बहुत जल्द किया जाएगा। इतने बड़े स्तर से मतदाताओं के वोट काटे गए कि इसके पीछे जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के कुछ न कुछ बड़े मंसूबे जरूर रहे होंगे। जब वो जीतते थे तब ईवीएम सही था, अब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। ईवीएम कांग्रेस के जमाने में आया, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में नहीं आया। जब कांग्रेस जीती, सपा जीती, बसपा जीती तब ईवीएम सही था, आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो ईवीएम गलत हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम में वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने लगे। इन विषयों में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो। ये सब जब आदमी हारता है तो मिथ्या आरोप लगाता है। जो वोटर बहुत बड़े पैमाने पर कटे, मतदाता अपने मत से वंचित रहा, लोकतंत्र की यही हत्या हो गई। लोग अपना वोट ही नहीं डाल पाए, लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी अधिकार होता है आम जनता का, वोट नहीं डाल पाए, बहुत बड़ा गलत कदम रहा प्रशासन का।